इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो स्टेशन के बाहर के हिस्से में अगर देखें तो पानी झमाझम जरूर बरस रहा है, लेकिन जैसे ही आप 2 से 3 मीटर बाहर की तरफ देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन पर आपको पानी लबालब भरा हुआ नजर आएगा और मेट्रो स्टेशन पर ये लगातार पानी का जलजमाव बढ़ता जा रहा है। शाम के 4 बजे का वक्त है और यहाँ पर पानी का जलजमाव लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है वो आने वाले समय में मेट्रो स्टेशन के अंदर भी ये स्टेशन के अंदर पूरा पानी भर जाएगा। बाहरी हिस्से में ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा ये जो दीवार है प्लांट की वो पूरी डूब चुकी है और बाहरी हिस्से में जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं मेट्रो स्टेशन की वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत लोग बाहरी हिस्से में अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं बारिश बंद हो जाए, उसके बाद ही वो मेट्रो स्टेशन के अंदर जा सकेंगे, क्योंकि लगातार पानी का जलजमाव जिस तरह से हो रहा है बाहरी सड़कों पर लोग इसी तरह से इनकी गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों को यहां से धक्के मारकर लेकर यहां से जाने के लिए मजबूर हैं। अब ऐसे में हम दिखाने की कोशिश करेंगे, घुटने से ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। महज ये 1 घंटे की बरसात शाम को तेज एक बार फिर से शुरू हुई है और घुटने से ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अब बाहरी हिस्से में आईटीओ चौक की तरफ आप बढ़ें तो यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम आपको नज़र आ जाएगा। महज 1 घंटे की बरसात, और बरसात का आलम ये कि ऑटो हो या फिर लग्जरी कार हो, बस हो, सभी यहाँ पर अब रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 1 घंटे की बरसात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर घुटने से ज़्यादा का पानी, ड्रेनेज सिस्टम की सही व्यवस्था ना हो पाना, पानी की निकासी ना हो पाना, उसकी वजह से इस तरह से घुटने से ज़्यादा का पानी भर जाना। प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जब G20 का सम्मेलन दिल्ली में होना है, देश विदेश से तमाम लोग आने वाले हैं, और ऐसे में दिल्ली का आलम यह है महज 2 दिनों की बरसात और सुबह से ही लगातार जिस तरह से बरसात की शुरुआत हुई है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से बरसात होती रहेगी। और इसी वजह से दिल्ली का ये चाहे आईटीओ चौक हो या फिर मंडी हाउस का इलाका हो या फिर आईपी एक्सटेंशन हो, आनंद विहार, जनकपुरी, विकासपुरी या अन्य इलाकों हो, तिलक ब्रिज हो, सभी जगहों पर पानी भरना एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रविवार का दिन है, अगर ये सोमवार का दिन होता तो इससे बद से बदतर हालत और हो जाती, लोग लंबे ट्रैफिक जाम में आज की तरह ही फंसे रहते और कल रविवार के सोमवार के दिन तो और ज़्यादा लोग निकलते। ऐसे में एम्बुलेंस भी देखिए आप, यहाँ पर लंबे ट्रैफिक जाम और पानी के जलजमाव की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी सामने की तरफ फंस गया है। पुलिस की गाड़ी जो VVIP गाड़ी है जिसमें DCP या आला अधिकारी बैठे हैं वो भी यहाँ पर लंबे ट्रैफिक जाम में पानी की समस्या से जूझते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो ये दिल्ली का हश्र है जब तेज़ बरसात हो रही है। प्रशासन की तरफ से जिस तरह से तैयारी की जानी चाहिए थी, चाहे वो पंपिंग सेट की हो, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की हो, वो यहाँ पर नाकाफी ज़रूर साबित हो रहा है। ऐसे में जो भी मरीज़ एम्बुलेंस के अंदर हो उसके लिए, उसके परिजन के लिए कितनी दुखदायी बात होगी। उनके लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट इस दौरान कीमती होता है जब कोई मरीज़ को अस्पताल लेकर जाया जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, VVIP गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं ट्रैफिक में इस पानी के वजह से, जो कि जलजमाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आलम है, लगातार दिल्ली में तेज़ बरसात हो रही है। 4 बजे का वक्त है, यहाँ पर एक लग्जरी कार और यहाँ से गुजरती हुई BMW जो रेंगती हुई आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगी। और ऐसे में ये तमिलनाडु सरकार की गाड़ी है, यानी कि तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, और ये एम्बुलेंस और इसके पीछे पीछे अन्य गाड़ियाँ। दिल्ली में ये बरसात अपने आप में ही कई
सवाल प्रशासन पर भी खड़े करती है। प्रशासन की सही तरह से तैयारी ना होना, एक घंटे की बारिश में ही दिल्ली का डूब जाना, इस तरह से कई सवाल जरूर खड़े करता है। कैमरामैन ट्राइक साधीपक दुबे, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।